लेकिन तुम्हें अपने भाइयों को बताने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बताती? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उनको ना बताती है? तुमने तो कहा था मुझे वो नाज़मा तुम्हारी कजन है और उसका कोई शौहर भी है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अब्बा अम्मा जाने के बाद मैं बड़ा तन्हा था और एक मर्द के लिए तन्हा रहना बहुत मुश्किल है। तो तुमने दूसरी शादी कर ली। तो और क्या करता? इतनी बार कहा था कि रुखसत ही करवा लो, रुखसत ही करवा लो, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम तो अपने घर में अपने भाई और बहन पर राज कर रही थी ना। माँ बाप मर गए थे मेरे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम था मेरी मजबूरियों का। तुम्हारी मजबूरी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे छोटे से घर में नहीं आना चाहती थी? जो भी हो नबी, तुम्हें साफ साफ बताऊं, तुम्हें इस लड़की को तलाक देनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। ये नामुमकिन है। अरे उसका और मेरा बहुत अरसों का साथ है, उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तुम मुझे मना कर रहे हो? मैंने कहा ना है माँ, ये नामुमकिन है। क्या चाहती हो तुम कि मैं अपने बच्चे को दरबदर कर दूं? इकलौता बेटा है वो मेरा। हाँ तो रख लेंगे उस बच्चे को, लेकिन इसको तो निकालो घर से। और एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लो। नबील, तुम्हें फैसला करना होगा, या तुम हो जाएगी इस घर से या मैं जाऊंगी। अरे मेरे भाई, तैयार हो जाओ। अरे थोड़ा सा सब्र कर लेती। खामखा अजीब और गरीब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बैठ जाएं यहाँ। अजीब इल मैनर्ड सी औरत है, हर वक्त सड़ी रहती है। जाओ, तुम्हारे घर वाले आए। तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आते। ये मेरे शौहर का घर है, जहाँ चाहे जैसे चाहे जा सकती है।